द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग से, जो 1848 में उन्होंने बनाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पेंटिंग के बारे में। यू कैन सी हियर द पेंटिंग पेंटिंग मेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। अब इस पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियो क्या मैसेज देना चाहता था, आज हम लोग जानेंगे। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने इस पेंटिंग को बनाया और इसके साथ साथ उन्हें फोर अलग अलग चार और पेंटिंग बनाए थे। टोटल फोर पेंटिंग्स बनाए, जिसमें उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से एक ऐसे सपनों की दुनिया को दिखाया है जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, यानी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र पर आधारित है। तो इस सीरीज के पहले प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग लंबी कतार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये लंबी कतार बनी हुई है और इसी में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है, जो एक लाइन से एक लाइन बना करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और स्टेचू ऑफ लिबर्टी, यानी ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी को ये श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समय था, तो फ्रेंच 1789, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय लिबर्टी या स्वतंत्रता को मानवीकरण किया गया था, यानी पर्सोनिफिकेशन किया गया था, यानी किसी भी कंट्री को एक मानव का रूप दिया गया था, जिस प्रकार से यहाँ पर अमेरिका को मानव का रूप दिया गया यहाँ स्टेचू ऑफ लिबर्टी के रूप में। और यह मानवीकरण किसके रूप में किया गया है, एक महिला के रूप में किया गया है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कंट्री के लिए, भारत देश के लिए भारत माता का निर्माण किया गया है। तो भारत माता के रूप में हमारे कंट्री को पर्सोनिफिकेशन किया गया है। इस पेंटिंग में जो स्टेचू है उसके एक हाथ में मशाल है, इस हैंड में मशाल है यानी टॉर्च है, और यह मशाल किस बात को दिखाता है, किस क्या सिंबलाइज करना चाहता है, इस चीज़ को दिखाया गया है। इस पेंटिंग में जो स्टेचू, इसके हाथ में मशाल है जो इनलाइटमेंट यानी ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। यह टॉर्च जागरूकता का प्रतीक है, जागरूकता को सिंबलाइज करती है, इनलाइटमेंट को अवेयरनेस के बारे में बतलाती है, अवेयरनेस के को सिंबलाइज करती है, यानी यह टॉर्च जो है वह ज्ञान का प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है। और सेकेंड हैंड में, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इस हैंड में है, और यह क्या है, यह मनुष्यों के अधिकार पत्र की पत्र है, और अधिकार पत्र का एक पुस्तक है जिसे इसे दिखाया गया है, एक चार्टर, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन यह बुक है जिसे दिखाया गया है, यानी लोगों के अधिकारों को का प्रतीक है, लोगों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ नीचे देखें, ये नीचे जमीन पर कुछ पड़े हुए हैं, तो नीचे जमीन पर ये टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं, किसे टुकड़े हैं, ये एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन यानी कि निरंकुश शासन के टुकड़े बिखरे पड़े हुए यहाँ पर, और उसी का यह प्रतीक है, निरंकुश शासन का प्रतीक है यह, ये जो टुकड़े बिखरे पड़े हुए यहाँ पर, और यह इस बात को दिखाया गया है, और इस बात को यह शो करता है, बताना चाहता है, दर्शाता है कि अब निरंकुश शासन का अंत हो चुका है, यानी जो एब्सोल्यूट रूल था, रूल है यानी मोनार्की यानी राजतंत्र, अब उस शासन का अब अंत हो चुका है। तो यह जो बिखरे पड़े हुए सामान है, यह इसी निरंकुश शासन के अंत को दिखलाया गया है, सिंबलाइज किया गया है। अब यहाँ एक वर्ड है यूटोपियन यूज किया गया है, अब यू कैन सी हियर
यूटोपियन, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। यूटोपियन, ऑलरेडी इट हैज बीन गिवन हियर, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। तो इसका यूटोपियन का अर्थ क्या हुआ, यानी यह एक वर्ड जो है इसका अर्थ होता है कल्पना करना, यानी वर्चुअलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता से इसका संबंध नहीं होता, यानी ऐसे सपनों का संसार, ऐसे संसार जो जिसके बारे में हमने कल्पना केवल की है, हकीकत में वास्तव में वह है नहीं, यानी इसे वर्चुअल कहा जा सकता है। तो यूटोपियन विजन यानी काल्पनिक दृश्य इसका अर्थ हुआ। तो इसी काल्पनिक अर्थ दृश्य के बारे में यह बताया गया है। तो सोरियो ने, यानी फ्रेडरिक सोरियो ने अपने यूटोपियन विजन में, तो यूटोपियन विजन आप लोग समझ गए, तो यूटोपियन विजन, तो फ्रेडरिक सोरियो ने अपने यूटोपियन विजन में, यानी इस पेंटिंग में जो उसने काल्पनिक दृश्य को, ये जो आप देख रहे हो काल्पनिक दृश्य को दिखाया गया है, और इसमें अनेक देशों के लोगों को दिखाया गया है, इस रैली में, इस मार्च में बहुत सारे लोगों को दिखाया गया है, बहुत सारे कंट्री के लोगों को दिखाया गया है, जिसे उनके फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम से, यानी कि राष्ट्रीय पोशाक से पहचाना जा सकता है। अब इसमें चूंकि बहुत सारे देशों के लोग हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हम लोग पहचान कैसे करेंगे, तो पहचानने के लिए वे अपने कंट्री को पहचान दिलाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए नेशनल फ्लैग अपना यूज़ कर रहे हैं और अपना नेशनल कॉस्ट्यूम का यूज़ किए हैं, जिसके द्वारा वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को बतला रहे हैं। अब इस प्रोसेशन में, यानी इस जुलूस में नेतृत्व कौन कर रहा है, लीडरशिप किसकी है यहाँ पर, तो इस प्रोसेशन यानी इस जुलूस का नेतृत्व अमेरिका और स्विट्जरलैंड के द्वारा किया जा रहा है, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। तो इसका लीडरशिप कौन कर रहा है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। क्यों, क्योंकि जिस समय फ्रेडरिक सोरियो ने यह पेंटिंग बनाई थी उस समय ऑलरेडी अमेरिका और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट बन चुके थे, और अब दूसरों को नेशन स्टेट बनना था। तो जुलूस का नेतृत्व अमेरिका और स्विट्जरलैंड के द्वारा किया जा रहा है, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, और इस मार्च में यानी इस जुलूस में अमेरिका और स्विट्जरलैंड सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये नेशन स्टेट बन चुके हैं, तो इसको सिम्बलाइज किया गया है। अब अमेरिका और स्विट्जरलैंड के पीछे कौन है, ये जो है इनके पीछे एक तिरंगा, यू कैन सी हियर, तिरंगा देख सकते हो, इसके पीछे फ्रांस है जो तिरंगा झंडा लिए हुए है और स्टेचू के बिल्कुल पास पहुंच चुका है, और यह इस चीज़ को सिम्बलाइज करती है कि अब फ्रांस की बारी है, फ्रांस अब नेशन स्टेट बनने की राह में लगभग नज़दीक पहुंच चुका है, यह इस चीज़ को दर्शाया गया है, इस चीज़ को बताना चाहता है। फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग हैं, और उनका फ्लैग क्या है, ब्लैक रेड और गोल्ड कलर में है, तो ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग में जर्मनी के लोग हैं। हालांकि जिस समय यह पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में, इस समय जर्मनी एक नेशन स्टेट नहीं बना था, तो फ्रेडरिक सोरियो ने यह पेंटिंग बनाई थी, उस समय जर्मनी यूनाइटेड स्टेट नहीं बना था, फिर भी इन्होंने अपना एक फ्लैग को लिया है, फ्लैग को दिखाया है उस आशा में। क्यों फ्लैग को लिया है, क्योंकि जर्मनी ने जो फ्लैग लिया है वह इस बात को दर्शाता है कि 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो आंदोलन हुआ था जर्मनी में, इस आंदोलन में यह जर्मन वासियों को, जर्मनी के लोगों को यह एक होप थी, एक आशा थी कि जर्मनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, एक नेशन स्टेट बनेगा और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर लागू होगा, यह इस होप में थे। लेकिन चूंकि यह सफल नहीं हुआ था, तो वह होप पूरा नहीं हुआ, वह आशा पूरा नहीं हुआ था, तो लेकिन उसी आशा को लेकर के, उसी होप में जर्मनी के लोग एक नेशनल फ्लैग यहाँ पर लेके चले और उसी को सिम्बलाइज करते हैं वो लोग।
और यह दिखाने का प्रयास किए कि जर्मनी भी यूनाइटेड एक नेशन स्टेट बनेगा, या उसमें आशा थी कि बन जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। तो जर्मनी के बाद दूसरे कंट्री के लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। कौन से कंट्री के लोग यहाँ पर हैं? ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसली, लोमबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, एटीसी, इन सभी कंट्री के लोग यहाँ पर इनके पीछे में चल रहे हैं। एक लॉन्ग ट्रेन है, यू कैन सी हियर, यहाँ से तो इन देशों के लोग यहाँ पर हैं। अब आते हैं हम लोग ऊपर की ओर। ये इस पोर्शन में क्या दिखाया गया है? ये स्वर्ग को दिखाया गया, हेवन, स्वर्ग को दिखाया गया है इस पेंटिंग में। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर स्वर्ग को दिखाया गया है कि स्वर्ग में कौन है? जीसस क्राइस्ट, दिस वन। तो जीसस क्राइस्ट, सेंट्स यानी साधु संत, एंजेल्स यानी कि फरिश्ते, इन सबको यहाँ पर दिखलाया गया है। अब इसी दिखलाने के पीछे इसका क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहता है, क्या फ्रेडरिक सोरियू क्या दिखाना चाहता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेडरिक सोरियू ने इन सभी देवी देवताओं, साधु, एंजेल्स, जीसस क्राइस्ट को वर्ल्ड के सभी देशों के बीच फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। यानी आपसी भाईचारा को सिंबलाइज करती है यह जो दिखाया गया है देवी देवताओं का, ईश्वर का, यह आपसी भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज करती है, उसी का ये प्रतीक है। तो फ्रेडरिक सोरियो अपनी पेंटिंग के माध्यम से इन्हीं सब चीज़ों को दिखाना चाहता था जो इस पेंटिंग में दिया गया है। तो आपने देखा कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो चैप्टर है वह इस पेंटिंग के साथ शुरू होती है, जिसको फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाया था।